यूज होंगे। तो आज की रेसिपी है हमारी फेटचिनी पास्ता है, क्रीमी सा टेक्सचर और चिकन के साथ बनेगा बहुत ही यम सा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आपने मेरे चैनल को ओपन किया है, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें प्लीज, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट द रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं फेटचिनो पास्ता। बनाएंगे नूडल्स कह सकते हैं आपको, स्ट्रिप वाली। इसको हम बॉईल करेंगे और जैसे हम बॉईल करते हैं एक कली रख के इसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल करने के लिए हमने पैन में पानी रखा है, 1 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड किया मैंने, मैं इसमें तकरीबन 2 or 3 pinch जो है ना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। साइड पर बबल्स आ रहे हैं, हम इसमें अपनी नूडल्स को ऐड कर देते हैं। तो चलो इनके बॉईल होने का वेट कर लेते हैं और बाकी चीज़ें की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए, एक पीस मैंने चिकन का लिया है, इसको हम कर लेंगे कट स्ट्रिप्स में, बड़े बड़े स्ट्रिप्स में हम इसको कट कर रहे हैं। इसको बाउल में शिफ्ट कर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/2 teaspoon सॉल्ट। बस इसको इसी के साथ स्पाइसेस को हम थोड़ा सा चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, रब कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए नूडल्स हमारी रेडी हैं, हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे इसको। बटर ऐड करेंगे तकरीबन 2 tablespoons, मेल्ट होने देंगे बटर को। साथ ही में हम ऐड कर रहे हैं इसमें चिकन के पीसेस जो हमने अभी करके रखे थे, मैरिनेट किए थे, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। 1 teaspoon गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें हम। इसमें देखिए विनेगर ऐड किया मैंने, विनेगर और सोया सॉस। इसमें तकरीबन मैंने 1 tablespoon मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। लगाएंगे लेड और 5 minutes के लिए इसको छोड़ देंगे। चिकन देखें हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है, पहले भी मैंने एक दफ़ा इसको ओपन करके देख लिया है। तो चलिए निकालते हैं हम अपने चिकन को। इसी पैन में हम अपने ये देखें पास्ता को ऐड कर देंगे, ऐसा कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। फ्रेश क्रीम है मेरे पास, उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, इसमें करने जा रही हूँ मैं ऐड। इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें कुक होने देंगे। क्रीम हमारी हो चुकी है थिक, बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, 1/4 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। 1/2 teaspoon मिक्स हर्ब ऐड कर रहे हैं इसमें हम, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो इसमें आप ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक अरोमा जो इसका आता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा मज़े का हो जाता है ये। हमारे पास ये चाइनीज़ रेड चिलीज़ हैं, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और थोड़े से हम इसमें कर रहे हैं ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स ऐड किए मैंने। अच्छे से हमने इसको टॉस कर लिया है, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। जो कि हमने पहले से फ्राई करके निकाल लिया हुआ था। तो रेडी है हमारी फेटचिनी नूडल।